हे गाइस, स्वागत है आपके इंटरनेट गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवान वसीन। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अशोक लेलैंड और जेट एयरवेज में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां बनती आ रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको कब अशोक लेलैंड और जेट एयरवेज को बाय करना है, जिससे आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कमा सकेंगे। और ये आपको मैं इक्विटी में ही करने की सलाह दूंगा। इक्विटी कैश में, आप कैश सेगमेंट में इसे एक्यूमुलेट करते रहिए और आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा लेंगे आने वाले एक साल के अंदर। गाइज, मेरे को बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं कि मुझे अशोक लेलैंड में इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं, एग्जिट कर दूं, जेट एयरवेज में इतना लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं। तो गाइज, मैं अब आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है और आपको क्या टारगेट्स मिल सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर अंदर ही। ऐसे क्या पैटर्न्स डेवलप हुए हैं, क्या सपोर्ट बन के आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। जो भी लोग फंसे हुए हैं इसको जरूर देखिएगा और आप समझ जाइएगा कि आप लोगों ने अशोक लेलैंड को सोचा होगा कि 150 रुपए में बाय कर लेता हूं, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, बहुत बढ़िया कंपनी है, 130 रुपए में, 120 रुपए में। बहुत से लोगों ने ऐसे ऐसे बाय करते गए और आखिरी में इसने 110 का लेवल छू दिया। तो गाइज, ये आपके लिए मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है, कंपनी बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, चार्ट्स में अगर कोई पैटर्न बन रहा हो तो उसके हिसाब से भी हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप इसे जरूर देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि कहाँ से हमें इन दोनों स्टॉक्स को बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने उन्हें भी ये स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। अशोक लेलैंड अभी नहीं करा, वो भी आपको मैं रीजन बताऊंगा, पर जेट एयरवेज मैंने बाय करने की सलाह दे दी है अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो गाइस, सबसे पहले हम अशोक लेलैंड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अशोक लेलैंड में हम सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ पैटर्न्स, कुछ ट्रेंड लाइन और एक फिबोनाची, इन तीनों का यूज करके हम अपना आराम से बता सकते हैं कि कहाँ इसका सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस है। तो गाइस, ये मैंने वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है आपके सामने। वीकली चार्ट ओपन करने के लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है, ये मेरी ट्रेंड लाइन बन के आई है। दूसरी जब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका सपोर्ट का काम करेगा, ये आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने जो बना रहा हूँ वो आपके सामने बना रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन 2014 से लेकर अभी तक की जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है वो हमें सपोर्ट दिखा रही है यहाँ पे। अब हमने एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस बनाया था कि ये एक रेजिस्टेंस था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसे ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर गया, अब वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करने लग गया। आप देख सकते हैं कि ये इसका एक सपोर्ट का काम कर रहा था, स्टॉक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा था जो कि 110 का लेवल आ रहा था। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी 110 का लेवल सजेस्ट करिए, जो इसका क्रॉस ओवर है, आप देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर हुआ, ये हमें सजेस्ट करिए 110 का लेवल है। तो गाइज, ये दो चीजें तो हमें सजेस्ट कर रही है कि ये स्टॉक यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर स्टॉक रुक जाएगा और यहाँ से हम एक मूव देख सकते हैं। अब दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक फिबोनाची रिट्रेस, फिबोनाची बनाता हूँ आपके सामने। और फिबोनाची में ये मैंने बॉटम लिया, ये मैंने टॉप लिया, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने बॉटम और ये मेरा टॉप आ गया। अब हमें देखना है कि फिबोनाची में 61.8% रिट्रेसमेंट कहाँ आ रहा है, वही ट्रेंड लाइन है जो कि हमें शो कर रही है 1009, यानी 1009.90, यानी कि 1010 का लेवल। तो गाइज, ये दो चीजें हमें बता रही हैं कि 61.8, आप अगर बड़े से बड़े एनालिस्ट से पूछेंगे तो वो हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है पर्टिकुलर स्टॉक को उठाने के लिए, जब वो 61.8% के रिट्रेसमेंट लेवल में होता है। तो गाइज, हमारे लिए अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को 110 रुपए में उठाने के लिए। मैं अभी नहीं कह रहा आपने आज के आज ही उठाना है, जैसे इसने 110 का लेवल छुआ वैसे वो 115 का हाई भी मार के आया था इंट्राडे के अंदर ही। तो गाइज, मैं आपको अभी नहीं कह रहा कि हमें इस स्टॉक को अभी बाय करना है, क्योंकि अभी जो गाड़ी अशोक लेलैंड की चल रही है वो नीचे की ओर चल रही है, हमें जब गाड़ी रिवर्स करेगी और आगे की तरफ बढ़ेगी, जब बाइंग की तरफ बढ़ेगी, तब हमें उस स्टॉक को बाय करना। अगर हम 110 की जगह 115 में भी बाय कर लेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, पर अगर ये हो कि ये गाड़ी नीचे की तरफ ही चलती रही तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तब हम फंस जाएंगे बीच में। तो मैं अभी सलाह नहीं दे रहा अशोक लेलैंड को बाय करने के लिए, एक या दो या तीन दिन रुकिए, एक हफ्ता रुकिए, देखिए कि अशोक लेलैंड 110 को तोड़ तो नहीं रहा, ये जैसे जिस तरीके से इसने अपना ये बनाया, ये पूरे हफ्ते आप अशोक लेलैंड को ऑब्जर्व करिए कि 110 के लेवल को तोड़ तो नहीं रहा, और अगर तोड़ रहा है तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये दो चीजों को ऑब्जर्व करिए। और नेक्स्ट वीक आप अपनी पोजीशन बनाइए अशोक लेलैंड के अंदर,
फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए, और लॉन्ग टर्म में जो आपको टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं, आप 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको इसमें जो टारगेट अचीव हो सकते हैं 140% हो सकते हैं। तो गाइज ये मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको ये 160% के लेवल्स आराम से दे देगा। अशोक लेलैंड एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है 110 के लेवल पे। आप लोगों ने जो बाइंग करी होगी 110, 130, 140, 150 के में बाय करते रहे, एक्यूमुलेट करते रहे, सोच के कि कंपनी बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगी, पर गाइस ऐसा नहीं होता। अब मैंने देखिए आपको अशोक लेलैंड में ये चीज तो बता दी है, अब मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूँ कि ये लेवल 110 लेवल है कि क्यों हमारे लिए मेन सपोर्ट बन के आ रहा है बाय करने के लिए। मैंने आपको देखिए ट्रेंड लाइन से बता दिया, एक मेजर सपोर्ट एरिया 110 का लेवल फिबोनाची से बता दिया 61.8%। अब आपको मैं एक आखिरी बता रहा हूँ जो मैं आपके साथ हर वीडियोस में शेयर करता हूँ, ट्रेंड लाइन फिबोनाची और पैटर्न्स। अब इसमें ऐसा क्या पैटर्न बना कि मैंने आपको बोला कि अशोक लेलैंड बाय करिए। गाइस मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता, चाहे मैं इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ चाहे मैं पोजिशनली करता हूँ, मैं किसी को स्टॉक सेलेक्ट नहीं करता जब तक मुझे कोई पैटर्न बनते हुए नहीं दिखता उसके अंदर। गाइस सबसे पहले मैं आपको दो पैटर्न ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, मैं इसमें से फिबोनाची भी हटा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक बटरफ्लाई पैटर्न बताया था कि बटरफ्लाई पैटर्न आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैंने सन फार्मा में भी एक बटरफ्लाई पैटर्न के लिए बताया था, उसमें भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। सबसे पहले ये बटरफ्लाई पैटर्न बनाई, ये देख सकते हैं एक गिरावट आई, ऊपर गया गिरावट आई, इसने बॉटम को नहीं तोड़ा, फिर एक ये ऊपर गया टॉप को तोड़ दिया और यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद हमने देखा था 134 से ये 110 का लो मार के आया था, ये कैसे आया था हमें कैसे पता चला था, ये मैंने एक फिबोनाची बनाई, फिबोनाची ये मैंने बना दी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 161.8% का रिट्रेसमेंट लेवल बिल्कुल वहीं पर ही गया, वहां से हमने देखा स्टॉक नीचे आ गया और अपने 100% रिट्रेसमेंट को टेस्ट कर दिया और यहां से एक इसमें बाउंस बैक आ गई थी। अब दूसरी चीज, ये पैटर्न तो कंप्लीट हो चुका, अब तो ये पैटर्न कोई वैलिड नहीं है पैटर्न है। अब मैं आपको दूसरा पैटर्न दिखाता हूँ जो बन चुका है, जो मैंने आपको कल की वीडियो परसों की वीडियो में भी बताया था निफ्टी में जो बना था AB इक्वल्स टू CD पैटर्न। गाइस यहाँ देख सकते हैं ये लेवल है 84.80 का लेवल है, आप समझ सकते हैं ये 80 का लेवल है, ये बॉटम की बात कर रहा हूँ, और यहां से इसने जो मूवमेंट दिया वो 134 की दिया, यानी कि 55 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है। यहां से ये स्टॉक नीचे गिरा, अब 110 के लेवल से इसने जो मूवमेंट दिया है 165 तक की दिया, यानी इसने भी 55 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है। आप देख सकते हैं ये राइस करा, राइस जो ये करा ये इसने दिया 55 पॉइंट्स की राइस, एक गिरावट आ गई, फिर यहां से जो इसने राइस करा 55 पॉइंट्स की राइस करा, इसका मतलब ये है कि जो ये AB लाइन है इक्वल्स टू CD लाइन बन चुकी है। आपको मैं ऐसे ट्रेंड लाइन से दिखाता हूँ, आप इजीली समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको और आगे कर देता हूँ, आप आराम से समझ जाएंगे। ये देख सकते हैं इसने ऊपर गया, स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ऊपर गया। तो गाइस इसने जो ये लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन जितनी ऊपर गई है यानी 55 पॉइंट ऊपर गई है, और ये लाइन जो ऊपर गई है ये भी 55 पॉइंट ऊपर गई है। मतलब हमारा जो लेवल था AB इक्वल्स टू CD पैटर्न वो पूरा कंप्लीट हो चुका, और वहां से इस लेवल से हमें शॉर्ट करना था। गाइस ये जो हमारा लेवल था 55 पॉइंट का, वहां से अगर हम शॉर्ट करते तो हमारा टारगेट बन के आता वो ये बॉटम बन के आता जो आपको दिख रहा है 110 का लेवल। गाइस मैंने आपको 4 तरीके बता दिए, एक ट्रेंड लाइन आपको बता दिया, एक आपको मैंने फिबोनाची के थ्रू बता दिया, एक मैंने आपको पैटर्न्स के थ्रू बता दिया, आपको मैंने बता दिया कि किस तीन तरीके से, बड़े बड़े तीन तरीके से ये 110 का लेवल बहुत स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है अशोक लेलैंड के लिए। और हम कहते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, एक बेस्ट कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है ये, पर अगर आपको एक बढ़िया तरीका मिल गया, आप ये लॉन्ग टर्म के लिए 110 रुपए में बाय करके रख सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि इस हफ्ते के अंदर 110 के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं देता। गाइस इसके बाद आप इसे बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ, मैं आपको बता देता हूँ, 135-140 तो ये आराम से आपको 1-2 महीने के अंदर दे देगा, और 160 का अल्टीमेट टारगेट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अशोक लेलैंड के अंदर। तो गाइस जो लोग भी फंसे हुए हैं वो अपने पोजीशन से नया निकले, आपको ये टारगेट आराम से मिल सकता है, और अगर आपको और बाय करनी है तो आप 110 के लेवल में और क्वांटिटीज लगा सकते हैं और बाय कर सकते हैं। गाइस ये मैं अपने क्लाइंट्स को और सजेस्ट करूंगा अगले हफ्ते पर। हमें आते हैं जेट एयरवेज के अंदर, तो गाइस जेट एयरवेज के अंदर मैं आ गया, यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन करके रखा हुआ है वो मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं मैंने 2009 से लेकर अभी तक का ये चार्ट, और आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेंड लाइन नीचे की ओर बनाई है जिसका सपोर्ट बन के आ रहा था 2998 का बन के आ रहा था।
तो गाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ सालों का लॉन्ग टर्म सपोर्ट है 300 लेवल, जो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा 300 से ही नीचे गिरेगा ही नहीं, ये 270 तक भी जा सकता है, पर हमारे लिए 270 से 310 तक का एक बीच में रेंज है, जिस रेंज में हमें इस स्टॉक को बाय करना है और बाय करके बैठ जाना है, और जिसका टारगेट जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 450 का लेवल। गाइज ये बहुत बढ़िया है अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाय करने के लिए, अगर आप इसे बाय करेंगे तो आपको ये अच्छे खासे लेवल्स एक्सपेक्ट करा सकता है और ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट में लेकर जा सकता है। अब गाइज मैंने आपको ये दो ट्रेंड लाइन तो दिखा दिया कि ट्रेंड लाइन हमें शो कर रही है कि ये 370 के लेवल तक जा सकता है आराम से, तो मैंने आपको अभी बाय करने की सलाह दे दी है। पर गाइज ये 270 का लेवल वही लेवल है जहां पर हमें एक्यूमुलेट और करना है, हमें अपनी आधी क्वांटिटी 300 में बाय करनी है, आधी क्वांटिटी 270 280 के आसपास बाय करनी है। मुझे नहीं लगता कि वो 270 तक भी जाएगा, 280 290 से भी घूम सकता है ये स्टॉक। क्यों घूम सकता है वो रीजन भी आपके साथ मैं अब शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपके साथ बता रहा था प्रीवियस में कि फिबोनाची हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड लाइन और पैटर्न्स। मैं आपको ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें एक पैटर्न दिखा है, साइफर पैटर्न। गाइज मैं पुरानी वीडियोस में भी आपके साथ पैटर्न शेयर करते आ रहा हूँ, इसमें जो मुझे पैटर्न दिखा है वो मिला है एक साइफर पैटर्न, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप उसे भी देख लीजिए, आपको अंडरस्टूड हो जाएगा कि मैं क्या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये एक स्टॉक है, यहाँ से बॉटम से इसने अप मूव दी, स्टॉक नीचे आया, बॉटम को तोड़ा नहीं, फिर ऊपर गया, अपने टॉप को तोड़ दिया, टॉप को तोड़ने के बाद यहाँ से ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद जो इसका एक एरिया बन के आता है, वो एरिया बन के आता है कि ये अपने प्रीवियस बॉटम को नहीं तोड़ेगा और प्रीवियस बॉटम से ये अप मूव दे देगा। गाइस अब ये हमने एक पैटर्न तो बना लिया, पैटर्न को कंफर्म करने के लिए ये कितना नीचे जा सकता है उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट ढूंढना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर कोई सपोर्ट है कि नहीं है। तो गाइस वही मैंने 2009 से लेकर अभी तक की ट्रेंड लाइन खींची, तो हमें पता चला कि ये बॉटम जो इसका आ रहा है वो 250 का बॉटम बन के आ रहा है, और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन के आ रही है वो 270-280 के आसपास बनती हुई आ रही है। तो गाइस हमारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, बुलिश साइफर बनते हुए आ रहा है, और जो इसका टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमारा टारगेट हो सकता है कि 300 लेवल से अगर हम बाय करेंगे तो हमारा, आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ मैं, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ, आप आराम से समझ सकेंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा, और जो हमारा लेवल बन के आ रहा है वो हमारा लेवल बन के आ रहा है ये 61% तक, तो ये आराम से चले जाएगा जो कि 430 का लेवल है, और अगर आप इन दोनों स्टॉक्स को बाय कर लेंगे तो आप मुझे प्रॉमिस करेंगे, आप मेरे से सेटिस्फाइड रहेंगे कि मैंने आपको जो बताया वो बिल्कुल सही बताया। गाइस ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट कर चुका हूँ, और वो भी अगर उन्होंने ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने जेट एयरवेज उन्हें बाय करने की सलाह दी है और एक्यूमुलेट करने की सलाह मैं दूंगा 270 तक। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर जाना चाहे तो जा सकता है, और वहां से हमारे लिए एक और अपॉर्चुनिटी होगी आधी क्वांटिटी जो हमने आज उठाई है, आधी क्वांटिटी तब उठाने के लिए। और अशोक लेलैंड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप बाय कर सकते हैं, आपको 110 के नीचे कभी कभार जाएगा, पर ये अंत खत्म, ये वीक खत्म होने के बाद हमें देखना है कि अगर ये 110 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इसे बाय करेंगे, वरना हम इसे बाय नहीं करेंगे, तब हम देखेंगे कि और ये कहां तक जा सकता है, उसके बाद हम अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी अशोक लेलैंड के अंदर बनाएंगे। पर गाइस जिन लोगों ने बहुत ऊपर के लेवल से इसे होल्ड करके रखा हुआ है वो वहां से एग्जिट ना करे अभी और ऊपर जाएगा। गाइस मैं इस लेवल से एग्जिट कर गया था, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, ये आपको कैंडल जो दिख रही है, इस लेवल से मैं एग्जिट कर गया था, मुझे क्योंकि लगा था यहां से करेक्शन आएगा, पर जब मैंने इस लेवल से एग्जिट करा 150 के लेवल से, ये 170 या 160 तक का हाई मार के आया था, और गाइज वहीं से हमें करेक्शन देखने को मिली। तो गाइज ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चैनल के अंदर, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो पूरे यूट्यूब के अंदर कोई भी आपके साथ शेयर नहीं करता। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको ये पता लगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ। और देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करा है, तो वो बिल्कुल सही बात है। ये आप देख सकते हैं कि अभी मैं ऑनलाइन यहाँ पर अभी 3:20 हो रहे हैं, मार्केट अभी ओपन है जिस तरीके से आपको दिख रहा है, और मैंने आपको कहा था कि AB=CD पैटर्न बना और निफ्टी 10,950 तक जरूर जाएगी। मैंने आपको ये 3-4 दिन पहले ही बता दिया था जब उस लेवल में थी, और 10,950 के लेवल को छू के गई है आज गाइस, तो वो पैटर्न मुझे पता था, तो मैंने आपको सजेस्ट करा, और आपने अगर उसको इनिशिएट करा होगा तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहे होंगे।
तो गाइस आज जो हमने अपनी पोजीशंस दी थी वो मैं आपको अपनी पोजीशंस बता देता हूँ, आप वो अपनी पोजीशंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूँ उसमें। तो आप देख सकते हैं पेज इंडस्ट्रीज आपको शो कर रहा होगा, पेज इंडस्ट्रीज हमने जो सजेस्ट करा था 28,580 में सेल करने की सलाह दी थी और हम एग्जिट जहां करे थे वो हम करे थे 28,360 पे, यानी 200 पॉइंट लेके हम निकले थे। इसका लॉट साइज जो है वो 25 शेयर का है, तो हम यानी कुल 5,000 रुपए लेकर यहां से निकल गए थे पेज इंडस्ट्री से। उसके बाद हम लोगों ने जो सजेस्ट करा है हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट बाय करने की सलाह दी थी, ये तो हमने 2 दिन पहले ही सलाह दी थी पर हमने इंट्राडे में निकल गए थे और हमने इंट्राडे में इसमें से 12,000 रुपए निकाल लिए थे गाइस। और हमने आज भी इसमें पुट बाय करने की सलाह दी थी 17 रुपए के लेवल में और आप देख सकते हैं अभी इसका क्या प्राइस चल रहा है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और हमने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शॉर्ट करने की सलाह दी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है 1050 का लेवल निकल के आ रहा है, जो ये 3-4 दिन के अंदर अंदर तक 1050 के लेवल में चले जाएगा। तो हमने 1060 की पुट बाय करने की सलाह दी है इस लेवल पे, हमने इसे 9 रुपए में बाय करने की सलाह दी थी। अब ये आपको ये कुछ ट्रेड करते हुए दिख रहा होगा 6 रुपए 7 रुपए, हम कोई बात नहीं, हम इसे होल्ड करके बैठेंगे जब तक ये 11,001104 के लेवल को नहीं तोड़ती है तब तक हम इस पुट को बाय करके बैठेंगे। जैसे ही ये अपने कैश लेवल में 1104 के लेवल को तोड़ देती है हम इस पुट से निकल जाएंगे और लॉस अपना बुक कर लेंगे, क्योंकि गाइस लॉस भी हमें बुक करना चाहिए। अगर हमें इस पैटर्न में ऑब्जर्व कर रहा है, अगर मैं आपको चार्ट में भी लेकर जाते रहूं तो हमें लॉन्ग टर्म एक जो सपोर्ट दिख रहा है वो हमें यही दिख रहा है। आपको मैं राइजिंग चैनल दिखा चुका हूं कि ये एक राइजिंग चैनल था, इसका ब्रेकआउट दिया, यहां तक टारगेट आ रहा था, वहां तक टारगेट इसने एक्सपेक्ट करा 1100 का लेवल और वहां से नीचे आएगा। हम ये नहीं कह रहे ये बियर मार्केट में चले जाएगा स्टॉक, यहां से ये नीचे आएगा पर ये नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा और वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए लॉन्ग टर्म इस रिलायंस स्टॉक को, वो भी मैं आपको बताऊंगा 11,040 के लेवल पे। गाइज ये सारी चीजें इस चैनल पे आपके साथ शेयर हो रही है जो आपको कोई नहीं बताता होगा मार्केट के बारे में। आपको मैं सारी पोजीशंस अपनी दिखा रहा हूं, मैं आपको एक चीज और दिखा सकता हूं गाइज, ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये मेरी कुछ होल्डिंग्स हैं जो मैं होल्डिंग्स करते आ रहा हूं अपने पुराना जो मेरा एक और डीमैट अकाउंट है, आपको देख सकते हैं यहां पर मैंने सिर्फ सारे पैटर्न्स के ऊपर ही काम करा हुआ है। आप देख सकते हैं डिविस लैब में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था 1130 पे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हर दिन अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट करने की सलाह देता हूं क्योंकि मुझे पता है इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ये और नीचे जाएगा और ये हमें टारगेट अचीव हो जाएगा। गाइज आप ये मेरे वॉच लिस्ट है, ये सारी आप पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत सी वॉच लिस्ट बनाई हुई है। तो गाइज इसी के साथ मेरा चैनल वर्क कर रहा है आपके साथ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है लास्ट में डिस्क्रिप्शन के, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो वहां पर मैं आपका रिस्पॉन्स देने की जरूर कोशिश करूंगा गाइज। तो गाइज इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।